हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना का खौफ पूरी दुनिया में है। कोरोना से लड़ने और बचने के लिए अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बन चुकी है। सरकार ने भी कई संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन कुछ लोगों में इसका डर बना हुआ है और वो उल्टा दूसरों के जीवन को खतरे में भी डाल रहे हैं। आखिर यह सब कुछ कैसे हो रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। स्कूल, कॉलेज, जिम, मंदिर सब बंद है। कारण सिर्फ एक ही है, कोरोना का डर, या यूं कहें कोरोना के खिलाफ लड़ाई। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार पूरा जोर लगा रही है, तभी तो भीड़भाड़ वाली जगहों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ संस्थान इन आदेशों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। फरीदाबाद के कई निजी स्कूलों में कोरोना वायरस का कोई खौफ नहीं है। जब हमारे संवाददाता ने कई निजी स्कूलों का जायजा लिया तो हैरान रह गए। स्कूल खुले हुए थे, मानो इन्हें न कोरोना वायरस का खौफ है न प्रशासन के आदेशों का। जब हमारी टीम इन स्कूलों में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर चौंक गए। एलकेजी और यूकेजी की क्लास चल रही थी, बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन लापरवाही की हद तो देखिए। बच्चों ने ना तो मास्क लगाए हुए थे और ना ही स्कूल में सैनिटाइजर की व्यवस्था थी। जब स्कूल प्रबंधन से इस बारे में सवाल किया गया तो वो बहाने बनाने लगी। प्रैक्टिकल के लिए बच्चे आए हैं एक घंटे के लिए। हाँ जी। अरे एक घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं नहीं, हमने 9 बजे बुलाया था बच्चों को। 9 बजे बुलाया। हाँ जी, अभी 10 बजे तक फ्री कर देंगे। छोटे बच्चों का मैम कोई प्रैक्टिकल नहीं होता? नहीं नहीं, वो तो ओरल है ना, वो पेरेंट्स वैसे भेज देते हैं कि इनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ये हम नहीं बुलाते हैं छोटे बच्चों को, छोटे बच्चों के पेरेंट्स देख लो पूरे आए भी नहीं है। क्या आप आदेश मान नहीं रहे हैं? मान क्यों नहीं रहे हैं? हमारी मैनेजमेंट का जैसे ही ऑर्डर होगा तो वैसे। अभी ऑर्डर हुए नहीं है छुट्टी के? ये है नहीं, मैनेजमेंट ने ये नहीं कहा कि टोटली छुट्टी करनी है। फिर क्या बोला है मैंने? कि भाई जो शेड्यूल में प्रैक्टिकल वगैरह तो उसको तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि 9th और 11th का ना प्रैक्टिकल के मार्क्स बोर्ड में भेजने होते हैं। बिल्कुल मान रहे हैं, हमारे 31 मार्च तक तो समर टाइम सिर्फ स्टाफ के लिए बोला हुआ है। आज सिर्फ वही बच्चे आए हैं जो प्रैक्टिकल जिनका रह गया था। हालांकि खबर दिखाने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खुले हुए सभी स्कूल को बंद करवा दिया। नारनौल में कुछ यही हाल है। जिला प्रशासन के दावों का रियलिटी चेक करने जब हमारी टीम पहुंची तो लापरवाही की मिसाल देखने को मिली। निजी कोचिंग संस्थान खुले हुए थे, जिसका मतलब साफ है कि कोचिंग संचालकों में कोरोना का खौफ जरा सा भी नहीं है, न प्रशासन का डर। जब इस बारे में उनसे बात की गई तो उनका भी जवाब कुछ ऐसा ही था, जरा सुनिए। सर, अभी तक इस प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई शेड्यूल, कोई समाचार नहीं। जैसे जाएगा हम क्लोज कर देंगे। क्या प्रशासन की तरफ से कोई चेकिंग के लिए आपके पास आया? अभी तक कोई नहीं आया सर। अभी तक कोई नहीं है। बच्चों को सैनिटाइज वगैरह हम ही यहाँ से कर रहे हैं। सैनिटाइज यहाँ है? हाँ, तो उसी से काम चल रहा है, बाकी ऐसे कुछ नहीं है। हमने 2-3 बैचों की छुट्टी कर दी, जो जरूरी बैच थे ना वही 2 लगा रखे हैं, बाकी बैच सभी फ्री कर दिए। इसको सैनिटाइज दिखा पाएंगे आप यहाँ से? हाँ बिल्कुल, दिखा दीजिए आप, कैमरा ऑन ही है अभी। अभी आप एक बार मेरे को नीचे जाना पड़ेगा ना। क्लासेस चली हुई थी क्योंकि सर प्रशासन से हमारे पास कोई नोटिस नहीं हुआ था कि हम क्लास ऑफिस ऑफ करें। सर प्रशासन का पूरा दिल से रेस्पेक्ट करते हैं सर, अगर प्रशासन ये सब चीज़ बोलेगा तो सर इजीली हम क्लास कल से बिल्कुल क्लास हमारी ऑफ मिलेंगे सेंटर में। हरियाणा सरकार की बात की जाए तो आज के पेपर में भी बकायदा सेंटर्स के लिए भी लिखा गया है कि कोचिंग सेंटर्स पर क्लासेस नहीं लगेंगी, बावजूद उसके आप लोगों ने क्लासेस लगा रहे। सर इवन क्लासेस तो ऑफ थी, ये कुछ बच्चे जो पहले के कुछ क्लासेस नहीं थे तो इन्होंने बोला था कि हमें कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस दीजिए सर, तो 4-5 बच्चे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आए थे सर, और इसीलिए मैंने कोई क्लासेस नहीं चलाई सर। बच्चों की सर आप मीडिया के आगे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बिल्कुल गलत है कि 4-5 बच्चे थे आपके कोचिंग सेंटर में, अभी भी कम से कम 40 से 50। सर इवन मैं मार्केट में बाहर था सर, हो सकते हैं कि फिर बच्चे आगे हो सर 10 से 11 होंगे सर, नो डाउट सर, आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे होंगे सर, बिल्कुल सर इस चीज का सर, और आगे से सर इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लापरवाही की तस्वीरें चिंताजनक है। पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जरूरत है साथ चलने की, सहयोग करने की, जरूरी सावधानियां बरतने की, सरकार के आदेशों का पालन करने की। सरकार ने कोरोना से बचने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं, कई संस्थानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, कोई भय नहीं। हरियाणा में तो बोर्ड की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी निजी संस्थान चाहे वो स्कूल हो या कोचिंग धड़ल्ले से चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।